नगर पालिका परिषद अचनेरा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने बताया कि तिरंगा यात्रा नगर पालिका से शुरू होते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण करते हुए नगर पालिका पर आकर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ और उन्होंने बताया कि इसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्कूल के बच्चों ने भी सहभागिता की तथा अध्यक्ष और समस्त नगर पालिका स्टाफ इसमें उपस्थित रहा और उन्होंने कहा कि ये तिरंगा हमें 15 तारीख तक ऐसे ही फहरा के रखना है, हमारे अंदर देश के लिए भावना जागृत रहे और हम अपने शहीदों को याद रखें। तिरंगा यात्रा में थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र और थाना स्टाफ मौजूद रहा। आजादी के लिए तैयार है पूरी तरीके से भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा 2 दिवसीय जो पूरा त्योहार मनाने का ये उत्सव ये निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी के तहत हमने आज अपने इस त्योहार की शुरुआत की है। हर घर झंडा जो अभियान है उसकी हमने शुरुआत की है। घर घर हमने झंडे वितरण करा दिया गया है। सभी 5 से 6 हज़ार झंडे हमारे घर में दे चुके हैं, हर शॉप पे दे चुके हैं। सबसे अपील की है कि 13 से लेकर और 15 तारीख तक लगातार झंडे लहराने का कार्य करेंगे अपने घरों पर। और इसके अतिरिक्त आज हमने लोगों को सेंसिटिव करने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, देश भावना जागृत करने के लिए, लोगों को आज़ादी की याद दिलाने के लिए कि किस तरह हमारे बलिदानियों ने, किस तरह महापुरुषों ने बलिदान देकर इस देश को सींचा है, इसकी आज़ादी को सींचा है, उसके लिए हमने एक तिरंगा रैली का आज आयोजन किया था। इस तिरंगा रैली में हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे चेयरमैन, फुल चेयरमैन, हमारे सभी सभासदगण, हमारे इंदिरा स्कूल के, हमारे जो स्वच्छ हमारा क्लब है, साथी स्वच्छ साथी क्लब है, उसके प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में, प्रबंधक साहब, उसके अलावा हमारे सभी सभासद हैं, उसी के लिए हम उपस्थित हुए थे। और आज आपने देखा है कि ये पूरी स्टेशन रोड पर कितना भव्य और दिव्य ये प्रोग्राम तिरंगा रैली के रूप में हुआ है। यहाँ से भरतपुर रोड अभी होते हुए आपकी पहाड़ लाइन से होते हुए रेलवे स्टेशन से और फिर यहाँ आज ऑफिस के पास समाप्त हुआ है। ये इसी के साथ मेरी यही सभी लोगों से अपील है कि ये 3 दिन जो आगे 13, 14 और 15 ये 3 देश के लिए दें और हम 365 दिन अपने लिए जीते हैं, हम 3 दिन देश के लिए दिए जिए और उन शहीदों को, उन बलिदानियों को, उन महापुरुषों की कुर्बानियों को याद करें और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और 15 अगस्त को सुबह प्रातः झंडा लहराकर नतमस्तक करें। इसी भावना के साथ हमने इस रैली का समापन किया। सर, आप रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के उसमें क्या कहना चाहोगे? रक्षाबंधन और जन्माष्टमी इससे जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ बहनें भाइयों की कलाइयों पे वो बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनसे अपेक्षा करती हैं कि वो उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से देश की रक्षा करेंगे वो। इस भावना के साथ हम रक्षाबंधन की भी त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं, जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देते हैं, सब कुछ शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सबसे स्वतंत्रता दिवस मनाने की जोर शोर से भव्य और दिव्य तरीके से मनाने की अपील करते हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।